डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल डू वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन चैप्टर 6 इन साइंस सब्जेक्ट. आवर चैप्टर नेम इज एनिमल्स, होम्स एंड बेबीज. सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट. क्लास इज फर्स्ट, लेसन 6. हेडिंग इज वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड, MEANING मीनिंग वर्ड मीनिंग शब्द अर्थ. ओके, फर्स्ट वर्ड इज एनिमल. एनिमल मीन्स जानवर. ANIMAL एनिमल. ANIMAL एनिमल. एनिमल मीन्स जानवर. JANVAR जानवर. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट. DIFFERENT डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स अलग. डिफरेंट मीन्स अलग. ALG अलग. नेक्स्ट इज लैंड. LAND लैंड. लैंड मीन्स भूमि. VOOMI भूमि. लैंड मीन्स भूमि. नेक्स्ट इज नेस्ट. नेस्ट मीन्स घोंसला. NEST नेस्ट. नेस्ट मीन्स घोंसला. GHOSLA घोंसला. नेस्ट मीन्स घोंसला. ओके, नेक्स्ट इज हीट. HEAT हीट. हीट मीन्स गर्मी. GERMI गर्मी. हीट मीन्स गर्मी. ओके, नेक्स्ट इज किटन. KITTEN किटन. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. BELLI बिल्ली. KA BECCE बच्चा. बिल्ली का बच्चा. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. ओके, नेक्स्ट इज एग्स. एग्स मीन्स अंडे. ANDE अंडे. एग्स मीन्स अंडे. आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट. एनिमल जानवर. एनिमल मीन्स जानवर. डिफरेंट अलग. डिफरेंट मीन्स अलग. लैंड भूमि. लैंड मीन्स भूमि. नेस्ट घोंसला. नेस्ट मीन्स घोंसला. हीट गर्मी. हीट मीन्स गर्मी. किटन बिल्ली का बच्चा. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. एग्स अंडे. एग्स मीन्स अंडे. ओके, नाउ वी डू सम क्वेश्चन आंसर इन चैप्टर 6. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेडिंग इज लेसन 6 क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू एनिमल्स लिव. जानवर जो है वो कहाँ रहते हैं. आंसर इज एनिमल्स लिव लैंड वाटर एंड ट्रीज. जो जानवर है वो धरती पानी और पेड़ों पर रहते हैं. आंसर इज एनिमल्स लिव लैंड वाटर एंड ट्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम एनिमल्स दैट बिल्ड देयर ऑन हाउस. अपना खुद से घर बनाने वाले जानवरों के नाम. बर्ड्स आंट्स एंड हनी बीज. BIRDS बर्ड्स पक्षी. आंट्स एंड हनी बीज. HONEY BEES बीज हनी बीज. अपना घर खुद से कौन बनाते बेटा. बर्ड्स आंट्स एंड हनी बीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू फार्म एनिमल्स लिव. फार्म एनिमल्स कहाँ रहते हैं. फार्म एनिमल्स कहाँ रहते हैं. फार्म एनिमल्स. फार्म एनिमल्स लिव इन फार्म. फार्म एनिमल्स लिव इन फार्म. खेतों में रहते हैं जहाँ खेतों वाले जानवर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एनिमल्स नीड होम्स. एनिमल्स जानवरों को घरों की आवश्यकता क्यों होती है. आंसर इज बिकॉज होम्स प्रोटेक्ट्स. बिकॉज होम्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड. बिकॉज होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड. क्योंकि घर गर्मी सर्दी बारिश से हमें कितने जानवरों को बचाता है. सो बिकॉज होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग इज कम्प्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स. बेटा मेरे साथ वीडियो में रोजाना बने रहें. साथ साथ वीडियो के साथ साथ भी अगर आप रिविजन कर रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा रिविजन हो जाएगा आपका और आने वाले एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू. टुडे आई विल रीड चैप्टर 7 इन इंग्लिश रीडर. और चैप्टर नेम इज द क्लेवर फॉक्स. एक चालाक लोमड़ी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट योर स्टूडेंट. क्लास इज फर्स्ट. वन डे एन एस फाउंड ए लॉयन स्किन.
एक बार एक एस मीन्स डोंकी जो गधा होता है, एक गधे को एक शेर की त्वचा स्किन मिल गई। द एस सेड आई शैल वियर दिस स्किन एंड एवरीबडी विल थिंक मी दैट आई एम ए लॉयन। जो एस है वो गधा सोचता है कि कहता है कि अगर मैं ये जो लॉयन की जो उसको स्किन मिली थी अगर वो उसको पहन लेता है तो सभी जो जानवर है वो सोचेंगे कि मैं एक शेर हूँ। द एस वॉर द लॉयन स्किन, जो गधा है उसने शेर की त्वचा को पहन लिया। ऑल द एनिमल्स रन अवे इन फियर, जो सभी जानवर थे उसे देखकर डर गए, भागने लगे। द एस फेल्ट प्राउड, जो गधा था वो बहुत ही गर्व महसूस करने लगा कि सब मेरे से डर रहे हैं, मेरी जो प्लानिंग थी वो सक्सेस हुई। सून ए फॉक्स केम देयर, जल्दी एक लोमड़ी आई। द फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, जो लोमड़ी होती है वह बहुत ही चालाक जानवर होता है। द एस ट्राई टू फ्राइटन द फॉक्स, जो जो गधा होता है वह लोमड़ी को डराने की कोशिश करता है। बट द फॉक्स स्टूड बिफोर हिम, जो लोमड़ी थी वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सी बिगेन टू ग्रीन, और वह मुस्कुराने लगी। द फॉक्स सेड आई नो यू आर नॉट ए लॉयन, वो कहती है कि मुझे पता है तुम एक शेर नहीं हो। यू हैव द स्किन ऑफ ए लॉयन, और तुम्हारे पास एक शेर की स्किन है, तब चाहे जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं। बट यू कैन नॉट स्टैंड लाइक ए ब्रेव लॉयन, लेकिन तुम एक कैसे ब्रेव शेर की तरह खड़े नहीं हो रहे हो साहस, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है बेटा। ये जो फोक्स है वो उसे बातें करने लग रही है और कह रही है कि तुम ब्रेव नहीं हो, बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो। ठीक, जैसे आप जैसे लॉयन एक ब्रेव के एक बहादुर की तरह खड़ा हो सकता है वैसे, बट यू कैन नॉट स्टैंड लाइक ए ब्रेव लॉयन, तुम एक बहादुर लॉयन की तरह खड़े नहीं हो रहे हो। ओके, यू कैन नॉट रोर, तुम दहाड़ नहीं सकते हो, दहाड़ते नहीं हो। यू कैन ओनली ब्रे, तुम ओनली ब्रे गधे की आवाज़ निकाल सकते हो। द हूस टू योर लेग्स आर बेयर, जो तुम्हारे हूस जो आपके पैरों के जो खुर हैं वो बिल्कुल बेयर है, बिल्कुल बिल्कुल खाली है। किसके? गधे के। दे क्लियरली शो दैट यू आर एन एस, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि तुम एक गधे हो। द एस ब्रेड लाउडली, जो गधे की साउंड होती है वह बहुत जोर से चिल्लाता है, आवाज़ निकालता है। ही किक्ड द ग्राउंड एंड रन अवे, और वह जोर से अपने पैरों को धरती पर घिसड़ता है और जोर से भाग जाता है। इस प्रकार एक बेवकूफ जो डोंकी होता है उसको स्किन मिलती है और एक लोमड़ी जो चालाक होती है वो उसको पकड़ लेती है। ये एक क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी की उसकी स्टोरी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चैप्टर रीडिंग इज कंप्लीट। नाउ वी डू सम एक्सरसाइज इन चैप्टर 7। फर्स्ट इज द एस फाउंड ब्लैंक स्किन, जो गधा होता है उसको किसकी स्किन मिलती है? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड या एन एलिफेंट? राइट आंसर इज लॉयन। सो टिक द लॉयन एंड राइट डाउन ए लॉयन, ए लॉयंस ब्लैंक। नेक्स्ट इज द एनिमल्स रन अवे इन, द एनिमल्स रन अवे इन ब्लैंक, जो जानवर थे वो भागने लगे किस चीज से? फन, डेंजर, फियर या हैप्पीनेस? किससे भागने लगे बेटा? फियर से, डर से। सो टिक द फियर एंड राइट डाउन फियर स्पेलिंग। नेक्स्ट द पोक द फॉक्स इज ए ब्लैंक एनिमल, फॉक्स जो लोमड़ी हो कैसा जानवर है? हेल्पफुल, गुड, कवर्ड या क्लेवर? राइट आंसर इज क्लेवर एंड राइट डाउन क्लेवर स्पेलिंग। टेक द क्लेवर एंड राइट डाउन क्लेवर स्पेलिंग। नेक्स्ट इज द फॉक्स स्टूड बिफोर द ब्लैंक, द फॉक्स स्टूड बिफोर द ब्लैंक, किसके सामने आकर खड़ी हो गई थी जो लोमड़ी है? एस, लॉयन, एनिमल्स या मिरर? राइट आंसर इज एस, गधे के सामने, डोंकी के सामने। सो राइट टेक द एस एंड राइट डाउन एस स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इसके अंदर राइट स्पेलिंग राइट डाउन, मिसिंग जो स्पेलिंग है वो राइट डाउन करनी है। फर्स्ट बिट आपको लॉयन की राइट डाउन करनी है,
सेकंड इज क्लेवर, नेक्स्ट हूव्स, नेक्स्ट इज रॉर, बेयर, फॉक्स। लोयन की LION, क्लेवर CLEVER, हूव्स HOO, रॉर ROAR, बेयर BA, नो बेयर नहीं बेटा, क्या आएगा बेटा, ब्रे BRAY, ब्रे, जो उसकी डोंकी की साउंड है, एस की साउंड है, वो आएगा BRAY। यहाँ पे लास्ट फॉक्स, FOX, फॉक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अवर एक्सरसाइज एंड चैप्टर रीडिंग इज कंप्लीट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। बेटा आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ वीडियो में डेली बने रहें, और जो भी मैंने रीडिंग कराई है कंप्लीट, उसको अच्छे से रिवीजन करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम मैम योर SS टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। टुडे आई टीच बेटा चैप्टर नंबर 5, वर्ड मीनिंग, WORD, वर्ड, MEANING, मीनिंग, वर्ड मीनिंग में शब्द आर। आई विल स्टार्ट वर्ड मीनिंग। नंबर फर्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, सुरक्षा, क्या होता है, सुरक्षा। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा। नंबर फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा। देन नेक्स्ट है नंबर टू, थीव्स, THIEF, थीव। थीव मीन्स क्या होता है, चोर, THIEF, थीव। थीव मीन्स क्या होता है, चोर। थीव मीन्स क्या होता है बेटा, चोर। थीव मीन्स चोर। नंबर सेकंड है थीव, THIEF, THIEF, थीव। थीव मीन्स क्या होता है, चोर। थीव मीन्स चोर। देन नंबर थर्ड है मड, MUD, मड। नंबर थ्री है मड, MUD, मड। मड मीन्स कीचड़, मड मीन्स कीचड़, मड मीन्स कीचड़। नंबर थर्ड है मड, MUD, मड। मड मीन्स कीचड़, MUD, मड। मड मीन्स कीचड़। नेक्स्ट है नंबर फोर, नंबर फोर है स्ट्रो, STRAW, स्ट्रो। स्ट्रो मीन्स होता है फूस, स्ट्रो मीन्स होता है फूस। नंबर फोर्थ है स्ट्रो, STROW, स्ट्रो मीन्स फूस, स्ट्रो मीन्स फूस। नेक्स्ट है नंबर फाइव, नंबर फाइव है ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स होता है ईट, ब्रिक्स मीन्स ईट, ब्रिक्स मीन्स होता है ईट। ओके, ब्रिक्स मीन्स ईट, ब्रिक्स मीन्स ईट। नंबर फाइव है ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स मीन्स ईट, ब्रिक्स मीन्स ईट। नेक्स्ट है नंबर सिक्स, नंबर सिक्स है रूफ, ROOF, ROOF, रूफ, ROOF, रूफ मीन्स छत, रूफ मीन्स छत। नंबर सिक्स है रूफ, ROOF, रूफ, रूफ मीन्स छत, रूफ मीन्स छत। नेक्स्ट है नंबर सेवन, नंबर सेवन है हमारा रेन, RAIN, रेन मीन्स बारिश, रेन मीन्स बारिश। नंबर सेवन है रेन, RAIN, रेन, रेन मीन्स बारिश, रेन मीन्स बारिश। नेक्स्ट है नंबर एट, नंबर एट है स्नो, SNOW, स्नो मीन्स बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ। नेक्स्ट है नंबर एट, SNOW, स्नो, स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। आई विल बी रिपीट अगेन चैप्टर नंबर फाइव, वर्ड मीनिंग। नंबर फर्स्ट है प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा। नंबर सेकंड है थीव, THIEF, THIEF, थीव। थीव मीन्स चोर, थीव मीन्स चोर। नंबर थर्ड है मड, MUD, मड। मड मीन्स कीचड़, मड, MUD, मड, मड मीन्स कीचड़। नंबर फोर है स्ट्रो, STRAW, स्ट्रो, स्ट्रो मीन्स फूस,
स्ट्रो मीन्स फूस। नंबर फाइव है ब्रिक्स, BRICKS। नंबर फाइव पे क्या है? ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक। ब्रिक्स मीन्स ईट, ब्रिक्स मीन्स ईट। नंबर सिक्स है रूफ, ROOF, रूफ, ROOF, रूफ। रूफ मीन्स छत, रूफ मीन्स छत। नंबर सेवन है रेन, RAIN, रेन, RAIN, रेन। रेन मीन्स बारिश, रेन मीन्स बारिश। नेक्स्ट है नंबर एट स्नो, SNOW, स्नो, SNOW, स्नो। स्नो मीन्स बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ। देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फाइव, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर, QUES क्वेश्चन, ANS आंसर। क्वेश्चन आंसर मीन्स प्रश्न उत्तर। आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वाई डू WHYY DO डू WEV एंड डबल ए नीड ए हाउस, ए एच ओ यू एस ई हाउस। डब्ल्यू एच वाई वाई डी ओ डू डब्ल्यू वी एन डबल ई डी नीड ए एच ओ यू एस ई हाउस। वाई डू वी नीड ए हाउस, की हमें घर की जरूरत क्यों होती है? तो हम अब आंसर लिखेंगे बिकॉज, बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज हाउस, एच ओ यू एस ई हाउस, प्रोटेक्ट पी आर ओ टी ई सी टी प्रोटेक्ट फ्रॉम एफ आर ओ एम फ्रॉम एच ई ए टी हीट, आर ए आई एन रेन, ए एन डी एन कोल्ड सी ओ एल डी कोल्ड। बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड, क्योंकि घर हमें किससे बचाता है, किस घर हमें सुरक्षा देता है, किस चीज की? हीट रेन एंड कोल्ड, मतलब गर्मी की, बारिश की और सर्दी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, वाई डू डब्ल्यू एच वाई वाई डी ओ डू टी एच ई द, टी एच ई द होम्स, एच ओ एम ई एस होम्स, आई एन इन एच आई डबल एल वाई हिली, ए आर ई ए एस एरियाज, एच ए वी हैव, एस एल ओ पी आई एन जी स्लोपिंग रूफ, आर डबल ओ एफ एस रूफ्स। वाई डू द होम्स इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ स्लोपिंग छत क्यों होती है? करेक्ट आंसर इज बिकॉज, बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज आर ए आई एन रेन ए एन डी एंड एस एन ओ डब्ल्यू स्नो सी ए एन कैन स्लाइड ऑफ, एस एल आई डी ई स्लाइड ऑफ। बिकॉज बी ई सी ए यू एस ई बिकॉज आर ए आई एन रेन ए एन डी एन एस एल ओ डब्ल्यू स्नो सी ए एन कैन एस एल आई डी ई स्लाइड ओ डबल एफ ओ, क्योंकि बारिश और बर्फ होती है वो अपने आप ही उसके ऊपर से ढलकर नीचे आ जाती है। आई विल बी रिपीट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगेन, वाई डू वी नीड ए हाउस? बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड, क्योंकि घर हमें किससे बचाता है? हीट रेन एंड कोल्ड, गर्मी से, बारिश से और सर्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई डू द होम इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ? बिकॉज रेन एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ, क्योंकि बारिश और जो बर्फ होती है वो अपने आप ही हिली एरिया की जो छत होती है उससे ढलकर नीचे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर डब्ल्यू एच ए टी वर्ड ए आर ई आर टी एच ई द टी डब्ल्यू ओ टू टाइप्स टी वाई पी ई एस टाइप्स ओ एफ ओ हाउसेज एच ओ यू एस ई एस हाउसेज।
WHAT but ARERTHTWO TYPES TYSOFO HOUSES हाउसेज की दो तरह के घर के नाम बताओ. आंसर इज नंबर फर्स्ट है कच्चा हाउस AUCHCHA कच्चा हाउस HOUSE कच्चा हाउस. नेक्स्ट है नंबर टू पक्का हाउस PUCCA पक्का HOUSE हाउस. पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हाउसेज. नंबर फर्स्ट है कच्चा हाउस, सेकंड है पक्का हाउस. KUCHCHA कच्चा HOUSE हाउस कच्चा हाउस. PUCCA पक्का HOUSE हाउस पक्का हाउस. कच्चा हाउस हमारा किससे बना होता है, जैसे मिट्टी से, लकड़ी से, घास फूस से. और पक्का हाउस हम किसे बोलते हैं, जो हमारा ब्रिक से और सीमेंट से और स्टील से, मतलब जो हमारा ईंट से और सीमेंट से और लोहे से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पक्का हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर कैन वी फाइंड हाउस बोट. वेयर WHERE वेयर CAN कैन WEVFIND फाइंड हाउस बोट HOUSE हाउस BOAT बोट हाउस बोट्स. वेयर कैन वी फाइंड हाउस बोट्स कि हमें हाउस बोट कहाँ से मिलती है, हम कहाँ से ढूंढ पाते हैं. इन कश्मीर एंड केरला INKASHMIR कश्मीर ANDE एंड केरला KERE KERLA इन केरला, इन कश्मीर एंड केरला. ओके, वेयर कैन वी फाइंड हाउस बोट इन कश्मीर एंड केरला KERALA केरला इन कश्मीर एंड केरला. ओके बेटा, टुडे आई विल डू चैप्टर नंबर 5 वर्ड मीनिंग. चैप्टर नंबर 5 वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर मीन्स शब्दार्थ एंड प्रश्न और उत्तर वी विल डू इन योर SS फेयर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू MLP YouTube चैनल. आई सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. स्टूडेंट, आवर क्लास इज फर्स्ट एंड सब्जेक्ट इज मैथ एंड नाउ टुडे वी विल डू टेबल. ओके, अब आज हम टेबल रीड करेंगे बेटा. सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन यू आर एडिंग TABLE टेबल. टेबल करेंगे आज हम 2 to 5. सो लेट्स स्टार्ट. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20 ओके. अब हम 3 की टेबल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 10 जा 30 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा
21, 38 जा 24, 39 जा बेटा 27, 310 जा 30, ओके। अब हम 4 की टेबल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अब 5 की करेंगे बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। देखो बेटा रिपीट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब करेंगे 3 की, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। स्टूडेंट, आज हम पाठ 9 री की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये क्या है री, और ये री की मात्रा का चिन्ह है। ठीक है, जोर से बोलकर पढ़ना आप मेरे साथ। री प्लस शी क्या बनेगा? ऋषि। दोनों वर्णों को जब हम जोड़कर पढ़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? ऋषि। ऐसे ही अगला हमारा जो चित्र है ये है री प्लस त प्लस ऊ, तो क्या बन जाएगा? ऋतु। ऐसे ही अगला चित्र में व प्लस री प्लस छ वृक्ष। देखिए बेटा, हमने बताया था कि ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगती है और री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगेगी। ठीक है, ऐसे ही ग प्लस री प्लस है प्लस अणी, तो क्या बन जाएगा? गृहणी। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? ऋषि द्वारा कृपा। ऋषि के द्वारा कृपा की जा रही है पाठ में पढ़ेंगे। अच्छा पाठ है। एक था ऋषि, करता था सब पर कृपा। एक ऋषि था, वो सब पर कृपा करता था। पाश करता था काम एक कृषक, कृषक मीन्स बेटा किसान होता है, उसके पास एक किसान काम करता था।
कृषक के पास था एक वृषभ। कृषक के पास जो किसान था उसके पास एक वृषभ था। वृषभ क्या होता है? बैल होता है बेटा। थका कृषक आराम वृक्ष पर किया। जो किसान है वो थक जाता है और आराम करने के लिए वृक्ष के नीचे आराम करता है। वृक्ष मीन्स बेटा पेड़ होता है। तभी एक नृप वहाँ आया। नृप मीन्स होता है राजा। तभी एक राजा वहाँ आता है। करा मृग का शिकार और वह मृग मीन्स होता है हिरण। हिरण का शिकार करता है। अब ऋषि आया नृप समझाया। अब वहाँ पर ऋषि आता है और राजा को समझाता है। नृप घृणा मत कर कि नृप राजा घृणा मत करो। चला गया नृप और राजा चला जाता है। बच गया मृग और हिरण जो है वो शिकार से बच जाता है। कृपालु था ऋषि। जो ऋषि था वो दयावान था। तो पाठ अच्छा है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे अभ्यास, ठीक है। निम्नलिखित चित्रों को उनके नाम से मिलाइए बेटा। चित्र दिए हुए हैं, हमें उनके नाम से मिलान करना है। देखिए वृक्ष, तो वृक्ष कहाँ पे है? इधर, ये रहा वृक्ष। तो हम वृक्ष को वृक्ष से मिलान करेंगे। कृषि, कृषि मीन्स होती है खेती। तो खेती किधर है? ये रही, हम कृषि से इसका मिलान करेंगे। अब है कृषक, कृषक किसान कहाँ है? ये फर्स्ट नंबर पे किसान है, तो हम कृषक को यहाँ से मिलान करेंगे। वृषभ, देखिए वृषभ ये रहा, तो हम इसको वृषभ से मिलान करेंगे। मृग, मृग मीन्स होता है हिरण। हिरण का चित्र ये रहा, तो हम इसको हिरण से, मृग से मिलान करेंगे। नृत्य, देखिए ये लड़की जो है नृत्य कर रही है, तो हम इसको इससे मिलान करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको अपनी किताब में इनको मिलाना है। रंग भरिए एम शब्द पूरा कीजिए। देखिए बेटा कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, हम इन पे आपको रंग भरना है और कंप्लीट शब्द बनाना है, ठीक है, पूरा शब्द बनाना है। देखिए ये लिखा हुआ है कृषि, तो हम सी लिखेंगे तो हमारा पूरा शब्द बन जाएगा कृषि, ठीक है। ऐसे त्रय लिखा हुआ है, हम णय लिखेंगे तो बन जाएगा हमारा पूरा शब्द तृण। ऐसे ही मृ लिखा हुआ है, तो हम तय लिखेंगे तो हमारा शब्द कंप्लीट हो जाएगा, मृत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऋ लिखा हुआ है, सी लिखेंगे तो हम बन जाएगा ऋषि। ऐसे ही प्र लिखा हुआ है, आधा स और ट लगाएंगे तो पृष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही घ लिखा हुआ है, ऋणा लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा, हमारा शब्द बनेगा गृहणा, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में ऋ की मात्रा लगाइए। निम्नलिखित जो शब्द दिए हुए हैं उनमें हमें ऋ की मात्रा लगानी है। देखिए अ मैं तय, जो इसमें नीचे जो बेटा जो गोल गोल गोला बनाया हुआ है उसमें हमें ऋ की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो हम जब ऋ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा अमृत। ऐसे ही हम कै के नीचे ऋ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा कृषक। यहाँ पे कृपाण, नीचे कृष्ण, ग्रह और हृदय, ठीक है। ऐसे आपको ऋ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा बनाना है, ठीक है। पाठ को अच्छे से पढ़ना है बेटा, किताब में खाली स्थानों को भरना है। ओके बेटा, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम, योर जीके टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। टुडे आई टीच चैप्टर नंबर 10, टेल माई नेम। TELL, टेल एम वाई माई एन एम ई नेम, टेल माई नेम की मेरा नाम बताओ। ओके, रीड द क्लूज एंड टेल माई नेम। RED, रीड। PHE, द। CLUES, क्लूज। AND, TELL, टेल एम वाई माई एन एम ई नेम, मतलब इसको क्लूज को पढ़ो और मेरा नाम बताओ। तो इस बॉक्स के अंदर ये पिक्चर है, तो हम इसको पहले यहाँ ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। नंबर फर्स्ट है, आई मेक स्वीट हनी, हु एम आई? आई एम ए के ई मेक, SWEET, स्वीट, HONEY, हनी। आई मेक स्वीट हनी कि मैं, आई मेक स्वीट हनी कि मैं स्वीट हनी बनाता हूँ कि मीठा शहद बनाता हूँ। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ? WHO, हु एम एम आई, मैं कौन हूँ? करेक्ट आंसर इज हनी बी, HONEY हनी, BEE, हनी बी मीन्स मधुमक्खी। आई मेक स्वीट हनी, हु एम आई? आई मेक स्वीट हनी कि मैं मीठा शहद बनाता हूँ और मैं कौन हूँ? करेक्ट आंसर इज हनी बी, HONEY हनी, BEE, हनी बी मीन्स मधु
मक्खी। नंबर सेकंड है, ये पिक्चर देखो इसमें किस चीज की है, तो इसका हमें आंसर यहाँ देना है। नंबर सेकंड है, पीपल कॉल्ड मी द सिप ऑफ डेजर्ट, PEO PLE पीपल CALLED कॉल्ड ME मी THE द SHIP सिप OFO DESERT डेजर्ट, पीपल कॉल्ड मी द सिप ऑफ द डेजर्ट, लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं, द सिप ऑफ डेजर्ट की रेगिस्तान का जहाज। ओके तो ये करेक्ट आंसर। अब क्या है इसमें पिक्चर किसकी, कैमल, तो करेक्ट आंसर इज कैमल, CAMEL कैमल, CAMEL कैमल। कैमल मीन्स क्या होता है, ऊट, कैमल मीन्स ऊट। पीपल कॉल्ड मी द सिप ऑफ डेजर्ट, लोग मुझे रेगिस्तान के जहाज के नाम से पुकारते हैं, करेक्ट आंसर इज कैमल, CAMEL कैमल, कैमल मीन्स ऊट, कैमल मीन्स ऊट। नंबर थर्ड है, आई एम द बिगेस्ट लैंड एनिमल, AIAMMTH द BIGGEST बिगेस्ट LANDED लैंड ANIMAL एनिमल, कि मैं सबसे बड़ा जो जमीन पर जानवर हूँ वह जमीन का जानवर हूँ। आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, मेरे बहुत ही लंबी सूंड है। आई एच वी हैव ALONG लॉन्ग TRUN के ट्रंक, आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, मेरे बहुत लंबी सूंड है। तो इस बॉक्स में ये पिक्चर देखो बेटा किस चीज की है, एलिफेंट, तो करेक्ट आंसर इज एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। ओके, आई एम द बिगेस्ट लैंड एनिमल, कि मैं जमीन का सबसे बड़ा जानवर हूँ। आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, मेरे सबसे लंबी सूंड है, करेक्ट आंसर इज एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें पिक्चर देखो किस चीज की है, फिर इसका आंसर बताएंगे। आई कीप माई बेबी इन माई पाउच, आई KEEP कीप MY माई BABY बेबी IN इन MY माई POUCH पाउच, आई कीप माई बेबी इन माई पाउच, कि जो मेरा बच्चा होता है मैं उसको अपने पाउच में रखती हूँ। आई एम फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम IAMMFOUND found IN in AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया, कि मैं कहाँ मिलती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, तो who I am, kangaroo 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 kangaroo, I keep my baby in my pouch, I keep my baby in my pouch, तो मैं अपने बच्चे को कहाँ रखती हूँ, अपनी जो मेरे आगे की यहाँ जो पॉकेट होती है उसके अंदर रखती हूँ। आई एम फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं कहाँ पाई जाती हूँ, इन ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं कौन हूँ, कैंगारू KANGAROO कैंगारू KANGAROO कैंगारू। नंबर फिफ्थ है, मोस्टली आई लाइक ऑन द ट्रीज, MOSTLY मोस्टली, ILIV नंबर फिफ्थ है, मोस्टली आई लिव ऑन द ट्रीज, MOSTLY मोस्टली ILIV लिव ON TH द TREES ट्रीज, की ज्यादातर मैं पेड़ के ऊपर ही रहता हूँ। ANDE एंड ILIKE लाइक BANANAS बनानास, एंड आई लाइक बनानास, की मुझे केला पसंद है, तो हु आई एम, की मैं कौन हूँ, करेक्ट आंसर इज मंकी, MONKEY मंकी, मंकी मीन्स क्या होता है, बंदर। मोस्टली आई लिव ऑन द ट्रीज, MOSTLY मोस्टली ILIVE लिव ON TH द TREES ट्रीज, कि ज्यादातर मैं पेड़ के ऊपर रहता हूँ। ANDE एंड ILIKE लाइक BANANAS बनानास, आई लाइक बनाना, कि मुझे केला पसंद है, तो हु आई एम, मंकी, MONKEY मंकी, मंकी मीन्स बंदर, मंकी मीन्स बंदर। फ्रॉम बनीज डेरी, व्हेल इज द बिगेस्ट वाटर एनिमल, जो व्हेल होती है, जो व्हेल मतलब फिश होता है, और जो सबसे बड़ी होती है वो पानी का जानवर सबसे बड़ा होता है, तो आई विल बी रिपीट अगेन, चैप्टर नंबर 10, टेल माई नेम, कि मेरा नाम बताओ। नंबर फर्स्ट है, आई मेक स्वीट हनी, मैं मीठा शहद बनाता हूँ। आई एम
हनी बी, हनी मी मीन्स मधुमक्खी, हनी मी मीन्स मधुमक्खी। नंबर सेकंड है पीपल कॉल्ड मी द सिप ऑफ डेजर्ट, लोग मुझे द सिप ऑफ डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के झाग से पुकारता है। हु आई एम कैमल, सी ए एम ई एल कैमल, कैमल मीन्स ऊंट, कैमल मीन्स ऊंट। नंबर थर्ड है आई एम द बिगेस्ट लैंड एनिमल, आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, मैं जमीन का सबसे बड़ा जानवर हूँ और मेरे एक लंबी सूंड है, तो हु आई एम एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स क्या होता है हाथी, एलिफेंट मीन्स हाथी। नंबर फोर्थ है आई कीप माई बेबी इन माई पाउच, कि मैं अपने बच्चे को अपने पाउच में रखता हूँ। आई एम फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कि मैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता हूँ। हु आई एम कंगारू, के ए एन जी ए आर डबल ओ कंगारू, के एन जी ए आर डबल ओ कंगारू। नंबर फिफ्थ है मोस्टली आई लिव ऑन द ट्रीज एंड आई लाइक बनानाज, मोस्टली आई लिव ऑन द ट्रीज एंड आई लाइक बनानाज, कि मैं पेड़ के ऊपर रहता हूँ ज्यादातर और मुझे केला पसंद है। हु आई एम मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी, मंकी मीन्स बंदर, मंकी मीन्स बंदर। देखो बेटा अभी मैंने आपको कराया चैप्टर नंबर 10 टेल माई नेम, तो ये आपको जिन बच्चों ने बुक में फिल नहीं किया है वो पहले अपनी बुक फिल करेंगे एंड देन लर्न एंड राइट ऑल्सो जी के फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।